अब यहाँ पे मैंने सब टोटल का सिस्टम लिया, हमने क्या किया कि नेम और रो में रख दिया, और मैं एक बार और बताता हूँ कि हमने डिजाइन के अंदर लेआउट में हमने एक टेबलर फॉर्म ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब ये डेटा बहुत बड़ा होता हमें, तो अगर मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके किसी और जगह पे ले जाऊँगा चेक करने के लिए, तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि हम इस पर फिल्टर नहीं लगा पाएंगे। कि मान लीजिए कविता का देखना है, मनीष का सिर्फ देखना है, तो हम फिल्टर अगर लगाते हैं तो यहाँ अगर मान लीजिए हमने कविता सेलेक्ट किया तो कविता का सिर्फ एक डेटा आएगा, न कि नीचे का डेटा आएगा, क्योंकि पिवट टेबल तो जानता है कि सारा कविता का सिटी है, बट नॉर्मल एक्सेल इस चीज़ को नहीं जानता है कि सारा ये कविता का सिटी है। तो इस केस में क्या करेंगे, क्या बोल रहे नहीं कुछ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको रिपीट करना है। तो पिवट टेबल डिजाइन में ही आपको जहाँ से आपने लेआउट लिया है उसी पे आता है रिपीट ऑल आइटम लेबल, ये सारे आइटम्स को इस तरह से रिपीट कर देती है, रिपीट ऑल आइटम लेबल। अब मुझे इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, स्पेस, एक ब्लैक रो चाहिए, तो यहीं पे हम करते हैं इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम। तो यहाँ पे जो है एक लाइन, एक आइटम जो है हर लाइन के बाद ऐड हो गया।